उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं सुबह वाली चाय बना रही हूँ, जिसको पीनी है आ सकता है। हानिकारक नहीं है। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय बनेगी, तब तक तो बर्तन साफ कर देते हैं। जो रात को ले खाई था खाना, उसकी वजह से रात के बर्तन रह चुके हैं मेरे। बस लगभग मैंने बर्तन साफ कर ही दिए हैं और उस साइड में भी चाय बनने वाली है। और वैसे तो हम सुबह की चाय नहीं पीते, लेकिन आप संडे हैं तो इसलिए बच्चे सुबह की चाय पी लेते हैं और साथ में मैं भी पी लेती हूँ। रात को लेट होते हैं और ये रात वाले बर्तन है, सैटरडे को रात को। बर्तन धो गए साफ, अब मैं चाय डाल लेती हूँ। हर रोज पीने की एक अलग बात है, और कभी कभी चाय पीते हैं ना, बड़ी अच्छी लगती है। ये मैंने अंजलि की और मेरी चाय बना ली है और साथ में चाय के साथ सुबह सुबह मट्ठी ले लेते हैं। बहुत टेस्टी है ये, खाने में बहुत अच्छी है। अब मैंने मशीन लगा दी है, बच्चे स्कूल में नहीं गए हैं ना, आज संडे है तो कल की वर्दी के लिए मैंने मशीन लगा दी है। और इधर मैं ड्राम में पानी कर देती हूँ साफ करने के लिए। मैं भी आ गई हूँ, चाय पी के कप रखे हैं और अब मैंने खाना भी बनाना है। साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ, साथ साथ कपड़े धुल जाएंगे और साथ साथ मैं कपड़े धोने के साथ साथ खाना भी बनाना है, तो मैं खाना बना लेती हूँ। और मोहित उसके मामा के यहाँ गया है, संडे है आज इसलिए, और अंजलि पढ़ाई कर रही है। मैं बनाऊंगी टमाटर की मीठी चटनी। ये मैंने टमाटर लिए हैं इतने, और ये मैंने काट रखे हैं, और ये मैंने लहसुन लेकर लहसुन को भी चीर लिया है, और ये मैंने लिए हैं खड़े मसाले, जो है जीरा का पिसा हुआ पाउडर, मसाला गरम, और ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये नमक है, ये हल्दी है, ये मिर्च है और लाल मिर्ची है, और ये मैंने सूखी मेथी ली है। ओके, और मैंने छौंक चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, ये मैंने जीरा डाल दिया। जीरा लाल हो गया है, अब मैं इसमें ये लहसुन डाल दूंगी, और इसके बाद मैं इसमें चीरे हुए टमाटर डाल दूंगी जो मैंने काट कर पहले से। अभी पकने लगे हैं टमाटर,
अब इसमें मैं खड़े मसाले डाल दूंगी। और इसी के साथ मैं चीनी भी डाल दूंगी और साथ में मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद इसका टेस्ट आप देखोगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैंने इसकी आंच बिल्कुल बंद की है। साइड मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और मैंने खाना बना लिया है और मैंने खाने के लिए डाल लिया। और ये मैं मल्टीग्रेन रोटियां बनाती हूँ जिसमें 5 तरह का आटा होता है, जिसमें गेहूँ, कुछ बाजरा और सोयाबीन और चना और मकई, 5 तरह का मैं ये रोटियां बनाती हूँ। ओके, और फिर मैं कपड़े धुल जाते हैं, फिर मैं उनको कपड़ों को दिखा दूंगी। अब मेरे कपड़े कंप्लीट हो गए हैं और ये इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। एक तार तो ये है और एक तार ये है। मैंने इतने कपड़े धोए हैं और अब मैं बिल्कुल। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट जरूर करना।